तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे. आई विल रिपीट. ओके जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो नजरुल. एनी वे सो मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्कार्सिटी जो है, एक मिनट. ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा स्कार्सिटी है वो रिलेटिव टर्म है. ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस कर रहे थे. दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि यूएस के लोगों की सबकी जो वॉन्ट्स हैं, अगर वो इक्वेट कर दी जाए किन के, इंडिया में जो लोग सब्सिस्टेंस पर अपना जो भी है लिविंग कर रहे हैं उनके इक्वल कर दी जाए. ठीक है, तो क्या यूएस जो है वो उसकी जो वॉन्ट्स हैं या फिर उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, मतलब जितने भी यूएस के लोग हैं, इज़ इट सो? तो अगर हम देखें कि हमारी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो उसकी वजह से आती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आती है. ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि जो यूएस में अगर सबकी वॉन्ट्स जो है वो हमने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो हमने उतनी ही रखी और उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी हमने उतने ही रखे, तो क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे वॉन्ट से. तो इस सिचुएशन में स्कार्सिटी है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं हमारी वॉन्ट से. और जब ऐसी सिचुएशन है तो क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई. फॉर सम ड्यूरेशन ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म ही हो जाए यूएस से. अच्छा, मैं ये बता रही थी कि एक हमारा जो डेटा है, आई हैव रेड सम पेपर, तो उसमें आई हैव रेड कि ये कौन सी रिपोर्ट का, ये मैं भूल गई हूँ कि कौन सा, बट दैट वाज लाइक वेरी रेलेवेंट पेपर. तो उसमें ये बताया है कि कोई पर्सन जो है जो डेवलप्ड कंट्री में है, ठीक है, और एक पर्सन जो डेवलपिंग कंट्री में है, जो अभी बॉर्न ही हुआ है, ठीक है, दोनों जो है वो अभी बॉर्न ही हुए हैं, जो डेवलपिंग कंट्री में ये अपना लाइफ टाइम में जितना वाटर और जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना जो है ये डेवलप्ड कंट्री में जो बॉर्न हुआ है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में उसका, उस वाटर और एनर्जी का, वाटर का 3 times एंड एनर्जी का 10 times. इट इज़ एक्चुअली रिलेवेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. मैं इसका आपको जो है वो आर्टिकल भी मैं शेयर कर सकती हूँ इफ़ एनीवन वांट्स टू रीड. तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री की जो वॉन्ट्स हैं ऑब्वियसली वो जो है वो बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्री से, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं. अब रिसोर्सेज भी उनके पास ज़्यादा हैं, जितने डेवलपिंग कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं वो भी उससे उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, लेकिन वॉन्ट्स जो है वॉन्ट्स का कोई एंड ही नहीं है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है. स्कार्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से जो है हमारी ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमिक्स की वो इमर्ज होती है. अच्छा, प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमिक्स की है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन हम 3 जो है वो मेन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं. आई होप एवरी वन इज़ गेटिंग ओके.
I'll just let that comment. African countries जो हैं US के comparison में कम resources utilize करती हैं. Actually जो African countries हैं उनका maximum जो है वो US और जो ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं वही उसको एक्सप्लॉइट इतना कर चुकी हैं या तो अब जो हम बात करते हैं यूटिलाइज करने की तो हम जब हम देखते हैं कि हम उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें ओके जस्ट अ मिनट एक मिनट और जो हमारी यूएस की जो इकॉनमी जो है वो उसके पास टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी हाई है कि वो उन रिसोर्सेज का उन रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन कर रही है वो अपनी जो जीडीपी है उसका उसका मेन फोकस है कि वो अपनी किसी भी तरीके से जीडीपी को इंक्रीज करे मेनली ठीक है और अगर हम बात करें वही अफ्रीकन और हमारी जो अगर हम बैक इन द टाइम जाएं तो हमारा जो इंडियन रिसोर्सेज हैं और जो हमारी ये वाली एशियन कंट्रीज आती हैं तो उनके रिसोर्सेज को एग्जैक्टली जो एक्सप्लॉइट किया है वो हमारे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइज करके एक्सप्लॉइट किया है बहुत ज़्यादा ठीक है अब हम जो है आगे वो करते हैं कंटिन्यू करेंगे आई होप यू गेट दैट ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क और अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ ठीक है सबको सब कुछ आता है आपको हो सकता है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इज़ इट सो सब लोग टॉप करने वाले हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में वेरी नाइस सबका प्लेसमेंट होने वाला है ओके तो अब डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे पहले आ जाता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस ठीक है जस्ट अ मिनट इज इट हैंगिंग ओके ओके नाउ इट्स वर्किंग या तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्योंकि एज वी डिस्कस कि हमारी जो है वो तीन प्रॉब्लम्स हैं मेनली वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स बट मेनली जो है वो हमारी तीन प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड अगेन अगर हम देखें तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम है अगर मैं इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट एंगल से देखूँ तो ये किसकी प्रॉब्लम है ये हमारे कंजम्पशन की प्रॉब्लम है ठीक है और कंजम्पशन से अगर मैं बात करूँ तो जिस चीज़ की डिमांड होगी ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है वो उसी चीज़ का होगा या उसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा ऑल दो सेल्स का लॉ जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल्स का लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है ठीक है लेकिन केन्स ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिमांड हो ठीक है अब हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अब हमारे पास तो है वो जो सोसाइटी में सेक्शंस हैं वो बहुत सारे सेक्शंस हैं ठीक है पुअर सेक्शन कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ अपनी बेसिक जो मेरी नीड है वही पूरी करनी है एंड
जो हमारा रिच क्लास है वो कह रही है कि नहीं, उसे जो है वो लग्जरी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारा एक और क्लास है, एक क्लास नहीं, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, वो किसकी डिमांड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी की, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि गेट जो है वो आप एक रिमोट दबाएं या फिर एक बटन दबाएं कि वो गेट खुल जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो लाइक डिमांड्स आर एंडलेस, हर कोई जो है वो अनलिमिटेड डिमांड करता है, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रोड्यूस क्या करना है, ठीक है। तो देर आर वी हैव टू ऑप्शंस, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब इसकी डिमांड कौन कर रहा है? इसकी डिमांड हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है, सिंपल। और इसकी डिमांड हमारे कौन कर रहे हैं? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन। इफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई कैन रिपीट। ऑल दो एज आई टोल्ड अर्लियर कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन आर स्कूल्स एंड इन कॉलेजेस। तो आई थिंक सो। तो कैपिटल गुड्स, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस यही है। कैपिटल गुड्स हमारे वो होते हैं जो हमारी मशीन्स या फिर कोई भी ऐसा गुड जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आ रहे हैं और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, दोज आर कैपिटल गुड्स। इसमें मशीन्स भी होती हैं, इसमें बहुत सारे गुड्स हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम कंज्यूम कर पाएँ, एंड कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट्स एक तरीके से, ठीक है, सिंपल। मैंने इसकी डेफिनेशन इसी वजह से नहीं ऐड करी है बिकॉज सबको पता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी भी बहुत लोग हैं जो स्टिल सब्सिस्टेंस पर, सब्सिस्टेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो अब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, ठीक है। इसका जो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो वी हैव अगेन चॉइस कि हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव अगेन मैं करूँ तो इसे कैटेगराइज में कर सकती हूँ टेक्नोलॉजी में, और इसे मैं वो कर सकती हूँ, कैटेगराइज कर सकती हूँ ये हमारा सब्सिस्टेंस में। लेकिन लेबर और कैपिटल, ठीक है, क्या अगर मैं कहूँ कि भाई लेबर मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे कैपिटल यूज़ करना है, ये मैं चूज़ कैसे करूँगी? ये जो चॉइस है हमें दी गई है, ये मैं चूज़ कैसे करूँगी इन दोनों के बीच में कि मुझे कौन सा करना है, लेबर इंटेंसिव करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव करना है? अब यूएस है हमारे पास एक एग्जाम्पल, अगेन अनदर एग्जाम्पल इज इंडिया, ठीक है। यूएस जो है हमारा वो कह रहा है कि उसका मेन फोकस है भाई मुझे तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अपना जीडीपी इंक्रीज करना है, और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगेन एज आई टोल्ड अर्लियर कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, या फिर उसका जो रिसोर्सेज है वो कितना एक्सप्लॉइट हो रही हैं बाकी जनरेशन के लिए, वो बच रही है या नहीं बच रही है, या फिर उसका वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो उसको बस अपना जीडीपी को मैक्सिमाइज करना है। वेयर एज अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का क्या है कि मेनली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से सब्सिस्टेंस, मैंने बताया कि सब्सिस्टेंस पर है, उसमें से भी बहुत पॉपुलेशन जो है उसके पास बेसिक है ही नहीं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है,
पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा है, तो अब इतने सारी चीज़ें इंडिया के पास हैं, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो लेबर इंटेंसिव, मतलब उसका मेन फोकस रहेगा कि वो अपना वेलफेयर करे, ठीक है। अब ये हम देखेंगे इसमें कि लेबर इंटेंसिव इंडिया करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो वेलफेयर है। वेलफेयर के साथ साथ वो ही चाहेगा कि उसका जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। वेर एज अगर हम इसकी यूएस की बात करें, तो वो कैपिटल, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके पास ऐसा जो वो है, क्या कहते हैं, ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो हाई से हाई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और उसके पास लेबर की शॉर्टेज है, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास चार की ज़रूरत है जहाँ पर और उसके पास दो ही लेबर हैं, तो वो ऐसा करेगा कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इनोवेट करेगा कि वो दो जो हैं वो भी चार के बराबर काम कर सके। तो यहाँ पर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव की बात करेगा, और क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया हमारा जो है वो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इस वजह से वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करेगा कि जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करके और जो हमारा ये है प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सके, हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा थोड़ी है कि यूएस में सिर्फ मशीन पे ही सब कुछ चल रहा है, या फिर ऐसा थोड़ी है, अभी जैसे मैंने बोला कि दो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन है तो लेबर ही ना काम, मतलब काम तो लेबर भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो काम है वो लेबर ही कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम कैपिटल या फिर मशीनरी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम यूएस को जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं और इंडिया को जो है हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो हमारा ये है वर्ड जो है, ये अगेन किसकी बात करता है, इकोनॉमिक्स में हर जगह हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव, ये भी बात करता है रिलेटिव टर्म की। जब हमारा लेबर ज़्यादा होगा हमारा कैपिटल से, ठीक है, और जब हमारा कैपिटल ज़्यादा होगा हमारा लेबर से, तो देन वी से कैपिटल इंटेंसिव एंड देन लेबर इंटेंसिव। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस किसके लिए करें, ठीक है, अभी मैंने बताया कि इतने सारे सेक्शंस हैं, अब किसके लिए हम वो करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कौन सा सेक्शन खरीदे। अब इसमें आ जाती हैं दो हमारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज और हमारी आ जाती हैं सोशलिस्ट कंट्री, आइडियोलॉजी है बेसिकली दीज टू। अब जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी आइडियोलॉजीज़ हैं और क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। इनका यही है मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या करना है, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट, और इनका क्या है कि हमें वेलफेयर देखना है, ठीक है। अब अगर मैं जो ये कोई भी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करूं जो सिर्फ हमारा वो वाले गुड्स, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, और उनकी जो है वो कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है जिसकी वजह से उनका प्राइस जो है वो भी इतना हाई हो गया है कि जो हमारा मैक्सिमम जो सेक्शन है, मतलब इंडिया का जो ये वाला सेक्शन है, वो उसे ख़रीद ही नहीं पा रहा है, ठीक है, सिर्फ ये लोग जो हैं उसे ख़रीद पा रहे हैं, तो ऐसे में वेलफेयर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड हो गया, और सारे रिसोर्सेज कहाँ पर चले गए हमारे, एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास चले गए, ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या आ जाता है, ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है
डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, हमने कंजम्पशन की प्रॉब्लम वो देख ली, ये आ जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, सोशल वेलफेयर या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हमें क्या देखना है, मतलब किस तरह से जो अपने रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो हमारा पूरा जो सेक्शन है या फिर पूरी सोसाइटी है उसमें वेलफेयर हो सके। एक तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, दूसरा ये है कि उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, मतलब उसको हम उस सेक्शन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन का वो है ना कि ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, हम वो वाले लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सिर्फ रिच क्लास उन्हें खरीद पाएगी, तो हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड हो गया। सारे रिसोर्सेज किसके पास चले गए, इनके पास चले गए, क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है तो ये जो है वो उन रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं, और क्योंकि इन लोगों की इनकम कम है तो ये जो है उस रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड हो गए, उन रिसोर्सेज से। गॉट माई पॉइंट? आई होप एवरीवन इज गेटिंग, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हमें बताती है कि हमें क्या चूज़ करना है, या तो सोशल वेलफेयर चूज़ करना है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें चूज़ करना है, सो दैट हम जो हैं अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकें, एफिशिएंटली अलोकेट कर सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो उन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, उनका जुडिशियस यूज़ कर सकें, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, व्हाई? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई इट इज सोशल साइंस? पहले हम ये देखते हैं कि सोशल साइंस से पहले हम ये देखेंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास साइंस, ठीक है, एक है हमारे पास आर्ट्स, ये दोनों क्यों नहीं है, फिर हम देखेंगे कि ये सोशल साइंस क्यों है, ठीक है। लेट मी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब जो है लैलन रॉबिन्स ने यही बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, किस टाइप का साइंस है, उन्होंने तो बोला कि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन साइंस कहेंगे, ठीक। अब क्या है, इसे साइंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, उन रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी मैच हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है किसी चीज़ का, वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाएगी कि उसी ऑब्जर्वेशन का भी हम डेटा कलेक्ट करें, डेटा कलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया हमने उसका, उसको ऑब्जर्व करके उसकी रीडिंग्स देखी, रीडिंग्स देखने के बाद उन सारी रीडिंग्स को हमने नोट डाउन किया, देन हमने उनके बेसिस पे क्या कर दिया, एनालिसिस कर दिया। अब क्या है, जो ये दोनों चीज़ें सेम है हमारी, इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ हो रही है और हमारा इसमें साइंस में भी ये चीज़ हो रही है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी हमारी सेम चीज़ हो रही है। अब उसी के बेसिस पे हमने क्या करा, दोनों में मॉडल्स हम इसमें भी देते हैं, मॉडल्स और थ्योरीज हम इसमें भी देते हैं, सिंपल। तो क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है हम कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, इज इट सो?
कोई एग्री करेगा कि ये साइंस है या फिर सोशल साइंस पे ही सब लोग अटके हुए हैं कि सोशल साइंस ही है क्योंकि मैंने लिख दिया तो इसलिए सही होगा, सोशल साइंस ही होगा। इज इट सो? एनीवे ठीक है, क्यों इसे साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, थ्योरीज और मॉडल्स को पढ़ते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये साइंस है, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि ये साइंस क्यों नहीं है, अभी नहीं देख रहे हैं हम ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्ट्स के, आर्ट्स भी है, आर्ट्स कैसे है, किसकी बात कर रही है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात कर रही है, सोसाइटी की बात कर रही है, सोसाइटी के बिहेवियर की बात कर रही है, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रही है। तो के ओह माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू राइट दिस, आई डोंट नो, इट्स नॉट सीम्स फ्लेक्सिबल, एनीवे लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो हाँ क्या कह रहे थे हम, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सोसाइटी का बिहेवियर देख रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हम बिहेवियर देख रहे हैं, फर्म का बिहेवियर देख रहे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे हैं, सबका बिहेवियर देख रहे हैं। ठीक है, सबकी स्टडी हो रही है। अगर हम देखें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तो कौन सी है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप ले लो ग्रोथ आ गई, एक्सचेंज रेट आ गए, ठीक है, और आपका डिप्रेशन आ गया, रिसेशन और सरप्लस, डेफिसिट, सभी से डील कर रहा है ये इकोनॉमिक्स, नो डाउट डील करता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज देखते हैं, मॉडल्स और थ्योरीज के अलावा हम यहाँ पे ये देखते हैं पॉलिसीज़ क्या बननी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए सो दैट हम डिप्रेशन की प्रॉब्लम को हटा पाएँ, हम रिसेशन की प्रॉब्लम को हटा पाएँ। मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी यू हैव हर्ड ऑलरेडी, तो वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, उन पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें क्या है कि ये देखना है कि अगर ये साइंस है तो फिर हम साइंस ही कह दें इसे, मतलब ठीक है हम लोग तो पॉलिसीज़ यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, ठीक है बना लो जो आप ये है एक्सचेंज रेट और ये, क्योंकि पॉलिसीज़ क्या है, एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा, एनालिसिस के बाद जो आपको थ्योरी देनी है वो आप साइंस में भी दे दीजिए। ठीक है, आर्ट्स का तो सिंपल है कि आर्ट्स कम्प्लीटली क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा भी कलेक्ट कर रहा है और ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, आर्ट्स में सिर्फ ये नहीं होता है, आर्ट्स में हम लोग क्या करते, सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करते हैं। अब क्यों ये साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारा लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्या होता है, वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट होता है हमारा जो हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो हम सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो किससे डील कर रहा है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील कर